आप सभी लोगों को हिंदू परंपरा अनुसार पितरों की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज हम आप पितर देवाए सब भोग भरणी जनुल पाए भी बोलो जनुल भी पाए बोलो सब पितर देवा स्वर्ग लोग जाला। वैसे ये छोटी ककड़ी निकालने का मन नहीं कर रहा था, पर पितृ देवताओं की वजह से निकालना पड़ा और काफी बड़े हो रहा। खड़ा उठो, तुम दोनों लड़ाई क्यों करते, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा तुम दोनों का। ले तेरी की जय पितरो देवा सुपली हुए जाया। तो मम्मी अभी भाई पितर देवों को धूप भरने बैठ गई है और बारी बारी से सभी धूप भरेंगे। यहीं पे लगाना भाई हमें सबसे पहले पठाल। सबसे पहले आप सभी लोगों को मेरा प्यार भरा प्रणाम। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का देवभूमि उत्तराखंड के फरकेत गांव से। और ये रहा भाई हमारा गांव फरकेत। आज के ब्लॉगिंग की स्टार्टिंग करीब 7 बजे से हो रही है और आज के मौसम की बात करें तो आसमान इधर साइड तो काफ़ी ज़्यादा क्लीन है, लेकिन बिनसर महादेव की पहाड़ी साइड काफ़ी ज़्यादा वाइट बादल लगे हैं। अभी हल्की फुल्की धूप भी आ गई है। आप सभी लोगों को हिंदू परंपरा अनुसार पितरों की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज ही के दिन सभी पितृ देवों को तर्पण दिया जाता है और साथ में विसर्जित किया जाता है, यानी कि आज पितृ श्राद्ध का समापन है। मम्मी यहाँ किचन में लगी है पितरों का भोग बनाने में। कितना बना है अभी? अच्छा, ये पूरी बन रहा। आज हम आप पितर देवाए सब भोग भरणी जनुल पाए भी बोलो जनुल भी पाए बोलो सब पितर देवा स्वर्ग लोग जाला। सब नया नाच कया काज दियो पितर देवाए ना। आज समापन छ, आ लास्ट छ पितरों को। जो भगी बोचिरो लो दुनी भेट वेली जो भगी मोरी गो काब दिन तवनी। ये वाला कद्दू भाई हमारे नीचे वाले बगीचे में लगा था और पहला पहला कद्दू है भाई ये, और लगेंगे उस पे मुश्किल है। अब ये रॉकी क्या हुआ तुझे? रॉकी कैसे सो रखा भाई, क्या हुआ रॉकी? ले हो रही हो, ओ हेलो हेलो, गुस्सा हो रखा भाई रॉकी। धीरे धीरे ककड़ी का सीजन जा रहा और हमारे यहाँ अब लग रही ककड़ी। तो ये रही पहली पहली ककड़ी। वैसे ये छोटी ककड़ी निकालने का मन नहीं कर रहा था, पर पितृ देवताओं की वजह से निकालना पड़ा और पितृ देवताओं को चढ़ाना बहुत जरूरी है भाई ये ककड़ी। तो ये रही भाई मम्मी ककड़ी, लो छोटी ककड़ी है पर काफी बढ़िया है पितरों के लिए। नहीं आप हाँ घर का फेस्ट फेस्ट ककड़ी है ये। काव्या की ड्यूटी लग गई है कूदे की मंडाई करने की, लेकिन काव्या कट्टे से निकाल नहीं पा रही। अच्छे से निकाल, जोर लगा, अरे जोर लगा। मुझे लग गए है काफी ज्यादा भूख और मैं तो अमरूद खाने वाला हूँ भाई अब। और मम्मी लोग लगे हैं पकवान बनाने पे और काफी ज्यादा टाइम लग जाएगा, तब तक डुगो और मैं अमरूद खाते हैं। क्यों डुगो ठीक भी लेबू हैं? इस छोटे वाले पेड़ पे तो काफी सारे अमरूद पक गए हैं, पर काफी दूर दूर है, निकालने में काफी ज्यादा दिक्कत होगी भाई। तो इसका टेस्ट चेक करते हैं कैसा हो रहा। अरे एक गिर गया। काफी बड़े हो रहा। मंडवे की मंडाई मम्मी लोगों ने थोड़ा बहुत कर दी है, अब हमारी बारी लग गए है। तो मैंने भाई अभी डुगु लोगों को लगा दिया है मंडाई करने पे। अच्छे से करो है। डुगो और मैं नाचते नाचते मानेंगे, ठीक है डुगो? तू भी यहाँ का आ जा। दिन 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 दिन। खड़ा उठो। तो डुगो अभी इसको फैला रहा, अच्छे से फैला डुगो।
ये क्या फैला रहा, जैसे कि गोबर डाला हुआ खेत में अच्छे से फैला? नहीं सिखाया किसी ने? छिलेर बिलेर ना और बढ़ के फैलो, काफी धनक और भी लगी है भाई काम करने पे, अच्छे से कूट। हाँ क्या हुआ, किसने मारा? यहाँ लड़ाई हो गई। ओ भाई साहब, ओ तेरी की थप्पड़ ही मार दिया कस के, ओ तेरी की। तुम दोनों लड़ाई क्यों करते, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा तुम दोनों का। ले तेरी की। तो मम्मी अभी भाई पितरदेवों के लिए भोग लगा रही है, और भोग में लगभग सभी पकवान बना है जो जो बनाया जाता है। तो ये रहा भाई पकौड़ी, पकोड़ा बन के पकौड़ी बनी, पकोड़ाओ ना, पकौड़ी पकोड़ा बात एक ही है बोले। और ये रहा हलवा, तेल वाला हलवा है ये, और ये खीर, साथ में रहा सेब, दही, लेन दाम अच्छी नहीं दही को भी आई, अच्छा ना पकड़ में आई, अच्छा। और ये रहा चूड़ा, डुगु चूड़ा खाएगा क्या? सब्जी नहीं देखा मैंने, सब्जी कहाँ है? अच्छा ये है सब्जी, डुगो ने सारे चूड़े गिरा दिए थे भाई, अभी आराम से डाल। जय पितिर देवो फलिपति जाया, जय पितिर देवो सुपलि भेजाया, यनु घरु माग जय पितिर देवा सुपलि भेई जाया, लेनी दूध जाया बैठी फाली जाया। जय आज जाल पितरो पितर देव देव, आज जाल जाल पितर देव पितर खाई ले के, आज जाल पितर देव देव, खाई ले के। आज पितरों देवों की वेली अब विदाई। तो मम्मी अभी भाई पितर देवों को धूप भरने बैठ गई है, और बारी बारी से सभी धूप भरेंगे। पीठे भी लगा होता है सारा सही। तो ये वाला रायता दही वाला है। तो ये रहा भाई कोल्हापुरी की नीचे, अब इसको खाते हैं, भूख भी लगी काफी ज्यादा। भाई और मेरी तैयारी हो गई है ऊपर वाले घर में जाने की, और ऊपर वाले घर में काफी सारा काम छूटा है अभी। अपने साथ में ये हुड भी ले जा रहा, ऊपर बहुत सारे मच्छर हैं। अभी तो वैसे धूप है, जब भाई धूप नहीं रह रही तब मच्छर बहुत ज्यादा काट रहे। रॉकी भी तैयार हो गया भाई ऊपर के लिए, तू भी आ रहा क्या रॉकी? हैं हेलो। अभी भाई और मैं ऊपर वाले घर में आ गए हैं, और भाई चले गए भाई पानी लाने के लिए, पानी की काफी ज्यादा प्यास लग रही है, और आज कुछ ज्यादा ही गर्म हो रहा। आज छत में वैसे काफी ज्यादा काम है, यानी कि जो ये आप लोग खाली देख रहे होंगे तो इनको भाई बंद करना है, मिट्टी और पत्थर डाल के जितने भी पठालों के वहाँ खाली है जगह, अगर इनके नीचे पत्थर और मिट्टी नहीं डालेंगे तो ये पठाल खिसक जाएंगे नीचे को। और जो ये बीच वाली दीवार देख रहे होंगे, इसको बोलते हैं मुंगरा, यहाँ पे से ठेठ उधर तक पूरा कंप्लीट हो गया ये वाला काम। यहाँ ऊपर वाले घर में काफ़ी ज़्यादा मच्छर हैं, और मच्छर काफ़ी ज़्यादा काटने आ रहे, तो मैंने अभी हुड पहन दिया है। यहीं पे लगाने वह हमें सबसे पहले पठाल। अच्छा वो तीर टूटी ना ए जुल बहुत। तो भाई देख रहा आता कि नहीं आता, बस चलिए जी लग जाते हैं काम पे, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, 2 घंटा है हमारे पास, फिर तो सीधे रात पड़ जा रही। भाई हम घर से करीबन 3:30 बजे आए थे, और ज़्यादा टाइम नहीं है भाई। हाँ बोल। अभी भाई और मैंने इधर साइड जितना भी गैप था पठाल के नीचे पत्थर और मिट्टी डाल दिया है, गीली मिट्टी, और हल्का सा इधर रह रखा 1-2 पठाल, तो इनको भी कंप्लीट कर देते हैं। फिर रहा भाई ये वाला काम, ये देखिए भाई यहाँ काफ़ी ज़्यादा गैप था, पत्थर और मिट्टी डाल दी है हमने, और हल्का सा
छोड़ा है इधर पानी के लिए। तो इधर साइड हमने कम से कम 3 पठाल चेंज की, एक तो यहाँ पे करी और एक यहाँ पे और एक इधर वाला। तो ये क्रैक हो गए थे इधर के पठाल, और जो ये देख रहे होंगे आप यही वाले पठाल है भाई यहाँ पे के, और एक पठाल टूट गया इसके नीचे है शायद। आज का काम हमने यहाँ फाइनल कर दिया है। मैं सोच रहा था कि इधर साइड जो पठाल के नीचे गैप था नहीं होगा, क्योंकि इधर साइड का तो हमने कंप्लीट पहले ही कर दिया था, और साथ में मेरे हाथ पे चोट लग गई थी भाई यहाँ पे देखो, बहुत भयंकर दर्द हुआ और अंधेरा भी हो गया काफ़ी ज़्यादा। यानी कि यहाँ का काम जितना करना था हमने फिनिश कर दिया। अब कल देखेंगे जो ये मुंगरा है ना, तो इसमें पत्थर रखना है हमें, तो छोटा मोटा जो भी काम बचा होगा यहाँ पठाल के ऊपर का वो हम कल शाम के टाइम या दिन में फाइनल कर लेंगे। और कल हमें हल भी जाना है, कल से हमारे यहाँ परंपरा के अनुसार हल भी लगाया जाता है। और आज के ब्लॉग में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। आई होप आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई होगी। मेरी वीडियो पसंद आई तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करें।